सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। प्रसिद्ध वैष्णवे लोभे नारायणे नमस्ते।
ततोभन्देवतरोजगे मध्यलोके जमानः सुभन्तोया हरिषन्दे सरसंरक्षदन्तिका भोजजयदभाजया वनावृष्ट्या वनामसे मुनिभिः सन्तसभवसंभविजो निज प्रसहसते न निर्जानामरेयजायन्मने कीर्तयिष्यन्ते मनयः सदाक्षेमिति मान्दसः ततोऽहमखिलोकमात्मदेहसमर्थवे भविष्यामि सुरासागैराविष्टेर्नानधारके शाकं भरे दुर्विख्यातेन्द्रायस्यामहं भवे तत्रैव च वसिष्यामि दुर्गमाघ्यमहासनां दुर्गाभेदे दुर्विख्यातं ब्रह्मनामावेशते पुनश्चाहं जदाये मम लोकं यत्ता हिमाचले रक्षान्ते वक्षयिष्यामि मुनीनां प्राणकारणात् तथा मां मुनिहासये जनम् हर्मादयः भीमादेवे दुर्विख्यातं ब्रह्मनामावेशते जलारुणाख्यस्य लोके महाभागां गृह्यते तदाहं ब्राह्मणरूपगतायङ्गेयप्रदां त्रैलोकशैलाजाय वदिष्यामि महाजलम् ब्राह्मणे मां लोका सदा योजन्ति सर्वगः युद्धं यदा यदा वादानभक्ता भविष्यति तथा तथा देयां करिष्याम्यरि सन्धयाम् सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिवघर के अंदर माँ भगवती की पूजा, माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है, पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रजित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का अध्ययन करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं, उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थनाओं को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपके मनोकामना को, आपके मनोरथों को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना, अर्चना, पुण्यकर्म, माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपके बुद्धि के लिए, आपके उन्नति के लिए, आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी है, सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं, धन धान की वृद्धि करने वाले ही। जो ही भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते ही, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होती है, दीर्घायु को प्राप्त होती है, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजननी माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रजित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ध्यान
धाम सम प्रभाम भगवते स्कंध से धाम दूरा देव पलायन मम
भगवते जंघिकाचंड विक्रमा पश्यतामेव देवानादत्रवन्दनेयत तेऽपि देवानि आतङ्गः स्वाधिकारायुधामरा यज्ञभागवयासर्वे जग्रविनिहतार्यः यज्ञादिदेव्यानि च शुम्भे देवर्भयुधि जग्रदेशंसमेतस्मै महाभेदविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषमादालमायुः एवं मदहरे सानिध्यापे पुनः पुनः सम्भूयागदे भूता जगतः परिपालनम् तैतन्मायदेशम् देवेशम् मृदयते साचाचिता च विज्ञानम् तच्चारित्यम् यच्छति व्याकरण सकलम् ब्रह्माणमनये शर महाकाल्य महाकाले महामारे सहमयाम् देवकाले महामारे देवश्रेष्ठे भवत्याम् तिथिङ्करोति भूतानाम् देवकाले सनातने भवकाले नृणाम् देवलक्ष्मीवृद्धि मदागृहे सेवाभावे तथा लक्ष्मे विनाशायोपजायते सुदासंयता पुष्पे देवगन्धादिले सदा तथा च वित्तम् पत्रा च मदेन्द्रगणेशः अत्सिद्धकुञ्जिका स्तोत्र शिवोवाच विष्णो देवे प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमत्तमम् येन मन्त्रभावेन चण्डीरामः शिवो भवे न कवचम् नलकलासोदम् शीलकम् नारहस्यणम् न सुतम् नापि ध्यानम् जानासो न जवाजनम् कुञ्जिका पाठमार्जेन दुर्गा पाठवलम् भवेत् अधिगृह्यतम् तेजे देवानाम विदुर्लभम् गोपनीयम् प्रयत्नेन स्वयानेयमपाधते मारणमाहनमश्वसम्बनाजाननादिनाम् पाठमार्जेन संसिद्ध कुञ्जिका सोत्रमोत्तमाम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ॐ क्लौं ह्रौं ह्रीं यं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ज्वलं लं 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 स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मदमर्दने नमः देवहारिणे नमस्ते महिषादने नमस्ते जम्भासुरघातने जागृतमहे महादेवे यवां सिद्धिं कदर्शमे हेङ्कारे दृश्य रूपाय हेङ्कारे प्रतिपादिका क्लिङ्कारे कामरूपिण्ये हेजरूपे नमस्ते चामुण्डा चण्डगादिजायकारे मददायिनीम् विद्ये च भयता नित्यम् नमस्ते मन्त्रभूमिनीम् दां ह्रीं ह्रों ह्रोजले पद्मे वां ह्रीं भूभागधीश्वरे ह्रां ह्रीं ह्रों कालिकादेवी शां श्रीं सोमेशङ्करम् ॐ अहङ्काररूपिण्ये जं 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 शम्बनाधिने ब्रां ह्रीं ह्रों प्रेवर्थे भवान्येते नमो नमः अहङ्कं जं दं दं स्वं यं यं ह्रीं दं ऐं ह्रीं अं जं द्विजाघ्रं द्विजाघ्रं रोदय रोदय दिष्टं प्रगरसाहम् ॐ ह्रीं ह्रों पार्वती पूर्ण कां ह्रे जले ददा सां ह्रीं ह्रों सप्त जले देव्या बन्धसिद्धिं गुरुस्मे इदं क्रोगुञ्जिघासोचम् मन्दया हृदिहेतवे अभक्तेनैव धातव्यम् गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु गुञ्जिकया देवी हीनां सत्यजते महे नाथस्य जायते सिद्धिरण्ये राधनां यथा अथ दुर्गायाबद्धराष्ट्रके नमस्ते शरण्ये सर्वसानकम्पे नमस्ते जगद्याभिगेश्वरोपे नमस्ते जगदाष्टमाधारवृन्दे नमस्ते
Yeah.
शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो ही भक्तजन इस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजन ने जगत माता के दरबार में आकर के माँ भगवती आदिशक्ति की आराधना करने का, माँ की विशेष कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होते ही उन भक्तों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बन जाती है।
क्योंकि जिन भक्तों पर इस माँ जगजननी जगत माता की कृपा हो जाती है उन भक्तों को माँ की कृपा से सद्बुद्धि सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जिन भक्तों को इस माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से सद्बुद्धि सद्ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उनके जीवन में कभी कोई विघ्न बाधा नहीं आती, उनकी जीवन यात्रा जो है वे सुखद बनी रहती है, सुख पूर्वक उनकी जीवन यात्रा चलती है, उनकी जीवन यात्रा में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आती, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है वह ठीक निर्णय करती है, और जिनकी बुद्धि ठीक निर्णय करती है उनके जीवन का कोई विघ्न आता ही नहीं, बस सब ओर से वजह को प्राप्त होते हैं, उन्नति को प्राप्त होते हैं, और उनकी जीवन यात्रा जो है बस सफल होती है। जो मनुष्य देह जो है बड़ा ही दुर्लभ है, बड़े भाग्य से जो है कहते हैं 84 लाख योगनी भोगने को प्राण जो है फिर जो जीव जो है इससे मनुष्य योनि प्राप्त होती है, और ये एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वह साधक जो है भले प्रकार से वह सत्कर्म कर करके अपना जीवन जो है सफल बनाता है, इसलिए जो इसका सदुपयोग करते हैं वही अपने जीवन में सफल होते हैं। जो शरीर जो है उपनिषदों में कहा है आत्मानम रथिनम विद्धि, आत्मानम रथिनम विद्धि, यह शरीर जो है ये एक रथ है, और इस रथ को खींचने वाले चलाने वाले जो है ये पांच जो है पांच इंद्रिय ने कहा है वे पांच घोड़े हैं, और उन घोड़े की जो लगाम जो है वह क्या है मन, मन जो है जिन घोड़ों के लगाम है, और इन घोड़ों के लगाम को जो पकड़े हुए हैं जिसे हम सारथी कहते हैं वह है बुद्धि, बुद्धि ने इस घोड़े के लगाम इन घोड़ों के लगाम जो है जी हाथ में पकड़ी हुई है, और फिर जो है इस रथ पर सवार कौन है वह आप है, आत्मानम रथिन विद्धि, इस रथ पर विराजमान कौन है आत्मा। अब जो है रथ जो है रथ के घोड़े और उसके लगाम जो सारथी ने पकड़ी हुई है वह सारथी यदि अपने मालिक मालिक कौन है आत्मा है जो इस रथ पर सवार है, और जब वह सारथी जो है मालिक से पूछता है कि कहां पर जाना है और पूछ करके उसी ओर वह चलता है तो घोड़े ठीक स्थान पर पहुंचेंगे, और फिर जो है सारथी की लगाम जो है अर्थात मन, मन पर बिल्कुल उसका निग्रह है, उसको पकड़े रखा है कि आपको जहां नहीं इधर चलना है, जो मालिक ने कहा है वहां पर आप पहुंचने हैं तो आपका रथ जो है बिल्कुल ठीक ठिकाने पर पहुंचेगा, और यदि इसके विपरीत होगा कि सारथी मालिक को पूछे नहीं और मन जो सारथी की सुने नहीं तो घोड़े मानेंगे नहीं, तो घोड़े अपनी मर्जी से चलेंगे, मन अपनी मर्जी से चलेगा, आप सारथी जो है आप बताइए आप जो रथ पर बैठा हुआ जो वह आत्मा जो है जो आप जो है उसकी क्या दशा होगी, वह लक्ष्य पर नहीं पहुंचेगा। इसलिए तभी कहते हैं कि महाराज सब कुछ है जीवन में परंतु आत्म शांति नहीं, आत्मा को चाहिए वह उसको मिलता नहीं, आत्मा छटपटाता है, रथ ही जगह पर जाएगा नहीं लक्ष्य पर पहुंचेगा नहीं, अब उस पर जो है अब जो है सारथी जो है वह मालिक से पूछता नहीं और मन भी मनमानी करता है और घोड़े अपने आप कहां चलेंगे, तो इस प्रकार से ऐसी परिस्थिति में वह मालिक क्या करेगा अपना सिर ही पीटेगा। इसलिए कहते जो इंद्रिय जो है काम है क्रोध है लोभ है ये अहंकार पांचों के पांचों जो है जे यदि इन पर जो है अभी लगाम जो है जे मन का जो है सारथी का ठीक कंट्रोल है मन पर जो है और सारथी को जो है वह आत्मा जो विराजमान बैठी हुई है वह सारथी उससे पूछ करके चल रहा है तो आपका रथ बिल्कुल ठीक स्थान पर पहुंचेगा। तो इस प्रकार से आत्मा जब जो है इस प्रकार से जब जो ठीक प्रकार से रथ चलता नहीं तो आत्मा का मालिक जो है अपना सिर पीटता है और कहते हैं कि आत्म शांति नहीं है,
आपको चाहिए बस से मिलता नहीं है, इसलिए उसे वह मिल ही नहीं रहा है। और जो अनंत जो है इस बात का है कि इंसान जैसे व्यक्ति जो है वह चाहे जितना भी प्राप्त कर ले संसार में आकर क्या करता है। मैं एक दिन पूर्व भी बतला रहा था कि परमात्मा के द्वारा जो हमें जो है एक तो बुद्धि प्राप्त है, शक्ति है। बुद्धि और शक्ति जो है यदि मनुष्य दोनों का ठीक उपयोग करता है तो उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी रहती नहीं। बुद्धि जो है इस प्रकार से बुद्धि को जो है भगवान के चरण में लगाए इसका ध्यान करें। शक्ति जो है अपने सत्कार्य करें, दूसरों की रक्षा करें, परोपकार करें। इस प्रकार से कहा है कि मनुष्य जो जीवन में जो है केवल मात्र अपनी बुद्धि कहां पर लगाते हैं, धन प्राप्त करने के लिए। बुद्धि और शक्ति जो है परमात्मा को जो है के लिए दी है, परमात्मा को प्राप्त करना है। तो बुद्धि को जो है वे भगवान के ध्यान नहीं लगा करके, परंतु बुद्धि को लगाता कहां है, बुद्धि शक्ति को जो है वह धन कमाने में। और फिर धन जितना प्राप्त हो जाता है उसकी तृष्णा मिटती नहीं, इसकी तृष्णा बढ़ती जाती है। इतना आगे इतना और आ जाए वह कहीं संतुष्ट होते नहीं। तो कहते कि इंसान को जो है जितना भी प्राप्त वह कर ले परंतु वह कभी उसको तसल्ली होती नहीं, ना धन से तसल्ली होती है और ना उसे ऊंचा पद भी प्राप्त हो जाए उससे तसल्ली नहीं होती है, और बहुत बड़ा संग्रह भी कर ले तो भी उसे तसल्ली जो होती नहीं। आज जो है हर आदमी जो है अशांत कारण जो है उसे संतोष नहीं है, जो उसके पास है उसमें संतोष नहीं है। हमें करना क्या, उसको हम भूल जाते हैं कि हमें किस लिए ये जन्म मिला था। जरा प्रातःकाल जब उठते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, माँ की जोत जगाते हैं, उस समय मुझे विचार करना चाहिए हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, हमें करना क्या है, हमें जाना कहाँ है, जहाँ पर रहना कब तक है। इसलिए ये जब विचार करते हैं तो जो है बुद्धि बिल्कुल ठीक काम करती है। और बुद्धि कैसे काम करती है, जब हम माँ की साधना करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, उस समय जब ऐसे विचार करते हैं तो माँ की कृपा होती है कि जी अच्छे रास्ते पर चलना चाहते हैं, इसलिए माँ कृपा करती है, उसे सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे देती है और उनकी बुद्धि बिल्कुल ठीक निर्णय करती है। इसलिए आदमी जो है अशांत रहता, जो उसको मिलता है इस सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए जो है वही हर निश्चय है दिन रात जो है प्रयत्न करता रहता है, परंतु जो है सब कुछ प्राप्त करके इतनी धन संपत्ति प्राप्त कर लेता है, घर मकान भी हो जाता है, परिवार भी होते हैं, फिर अशांत है, बेटा बात नहीं मान रहा, बेटी बात नहीं मान रही है, परिवार में कलह है, कलेश है, शांति नहीं है। और इस प्रकार सबको होते हुए भी फिर वह अशांत है। उसका कारण यही है कि आत्मा को जो चाहिए उसको मिलता ही नहीं। कई प्रातक कहते कि समय नहीं है, प्रातक उठ करके हम जो 10 मिनट काम कर, जो परमात्मा ने हम पर कृपा की, ये मनुष्य शरीर हमें दिया, क्योंकि इसी शरीर में भक्ति जो है भक्ति कर सकता है। दूसरे शरीर जो है कोई जय जीव जय नहीं है कि अब इसी योनि को प्राप्त हो जाओगे, कर्म के अनुसार जो है फिर योनि प्राप्त होती है। तो इसलिए जो है यही योनि में जो है व्यक्ति मनुष्य रूपी इस मनुष्य शरीर में ही वह भक्ति कर सकता है। आप पशु पक्षियों को आप कहो कि आप बैठिए, ध्यान लगाइए, माँ की भक्ति कीजिए, आप जप कीजिए, पाठ कीजिए, तो नहीं कर पाएंगे। मनुष्य भी ऐसा जो है जो ऐसा शरीर दिया परमात्मा ने कि आप जाइए जी, आपको इतना उत्तम सबसे श्रेष्ठ शरीर जो है जो आपको प्राप्त हुए है, इसलिए आप खूब भक्ति करो और अपना जीवन यात्रा जो अपनी जीवन यात्रा सफल कर लो। बोलो सच्चे दरबार की जय। पहले के लोग जो थे बस शांत क्यों थे, क्योंकि वे लोग जो है आत्मा की ओर जो है ये बढ़ रहे थे, इसलिए। और संसार की तरफ जो है वह बढ़ते हुए भी वे स्वार्थ की भाषा का जो है इस्तेमाल जो है आज क्या होता है कि संसार की ओर जो बढ़ रहे हैं और जो स्वार्थ हमेशा व्यक्ति के अंदर स्वार्थ रहते हैं, मुझे जी वस्तु कैसे मिले, क्योंकि भगवान जो है कृष्ण से जब प्रश्न किया था अर्जुन ने कि मनुष्य जानता हुए पाप क्यों करता है, उसे पता है जब बुरा कर्म कर रहा हूं, जो मेरा हक नहीं है, मैं इसको छीन रहा हूं, किस लिए, और फिर भी वह पाप करता है। तो उसे भगवान कृष्ण ने यही उत्तर दिया था कि जो मुझे मिल जाए उसको प्राप्त करने के लिए चाहे 10 लोगों की हत्या करना पड़े, परंतु वह पाप कर देगा उस सुख को प्राप्त करने के लिए, परंतु वो प्राप्त कर करके फिर भी उसको सुख प्राप्त नहीं होता।
असली सुख जो है उस माँ भगवती अध्यात्म में है, माँ की शरण में है। जो माँ के शरणक धोकर के धर्म के मार्ग पर चलते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, दूसरों का भला चाहते हैं, वही लोग जो सुखी रहते हैं, उनकी आत्मा शांत होती है। तो स्वार्थ जो है आज हमेशा ये प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्वार्थ भरा हुआ है। स्वार्थ की भाषा बोलेगी कि इसके साथ में बात करूं तो मुझे लाभ क्या होगा, पहले वह लाभ देखेगा कि मुझे मिलेगा क्या, कितने पैसे का नफा हो जाएगा मुझे, मेरा व्यापार कैसे चल पाएगा, क्या इससे मेरा व्यापार बढ़ेगा, तो मैं बात करूं, नहीं तो क्या जरूरत है मुझे इससे बात करने की। इसलिए जो है स्वार्थ जो है स्वार्थी स्वार्थ है। इस धर्म में जो है मैं आपको एक दृष्टांत दे रहा हूं, स्वार्थ क्या है कि दूसरों का बुरा करके जो है हम अपना भला चाहते हैं। इस धर्म में जो है मैं दृष्टांत दे रहा हूं, कहते हैं कि एक बार एक राजा थे और राजा का एक मित्र था नगर सेठ। वह सेठ जी जो है प्रतिदिन राजा के साथ मिलने के लिए जाया करते थे, प्रेम हो गया और राजा भी उनका मान सम्मान करते थे, अपने पास बैठाते हैं, इकट्ठे जलपान करते हैं। अब कोई व्यक्ति जो होता है जब किसी बड़ी व्यक्ति के साथ उसका संग हो जाता है, मिलना जुलना हो जाता है, तो वह तो अकड़ के चलता ही है कि देखिए महाराज मेरा तो बड़े नेता के साथ उठना बैठना है, उनके घर में भी जाता हूँ, चाय भी पीता हूँ, राजा के साथ जो है मिलना जुलना है। और वह भी अपने नगर में कहता है मैं तो राजा के साथ मेरी मित्रता है। किसी उच्च अधिकारी के साथ जो कि व्यक्ति का है, नगर का, गांव का कोई भी होगा, उसके साथ जो है चाहे कोई बड़ा पद पर बैठा हुआ है, उसके साथ वो बात कर लेते हैं, हाँ मेरा तो उसके साथ जो है मिलना जुलना है। तो जो है यदि आपने इधर उधर बात की तो शिकायत करके आपको अरेस्ट करवा दूंगा, कहते हैं। तो इस प्रकार से वो नगर सेठ भी जो था वह भी वहां पर जब जाता, राजा से मिलता, बाहर आता, नगर में घूमता, तो मेरा तो उठना बैठना राजा से, इतना अहंकार जो था। अब जो है ये परिस्थिति चलती रही। एक दिन जो है उसके मुनीम ने जो है उससे कहा, महाराज चंदन बहुत हो गया है, व्यापार था चंदन का परंतु बिक नहीं रहा है, चंदन अधिक हो गया है, तो इसलिए कहीं जो खराब हो जाए, बरसात का मौसम हो रहा है, तो इसलिए कोई तरकीब लगाइए कि जिससे ये चंदन हमारा बिक जाए, लाभ हो जाए। तब जो उसने पूछा, महाराज सेठ जी जो है अपने मणि से पूछते कोई उपाय बतलाइए, क्या उपाय, क्या आपका विचार क्या है। तो उसने कहा, महाराज बात ऐसे है, यदि कोई नगर का कोई बड़ा व्यक्ति जो है वह मर जाए, तुम्हारा चंदन की लकड़ी जो है ये अधिक बिक जाएगी, तो लाभ हो जाएगा, पैसा बहुत आ जाएगा। ये बात जो है सेठ को बड़ी अच्छी लगी कि अगर ऐसा होता है तो लकड़ी जो कोई बड़ा व्यक्ति मरेगा तो वह चंदन की लकड़ी ही खरीदेगा, दूसरी थोड़ी लगाएगा। तो इस प्रकार से विचार करते हुए कहने लगे, बात तो ठीक कह रहा है, परंतु नगर कौन ऐसा बड़ा व्यक्ति जो है वो मरे और हमें अधिक लाभ हो सके, ज्यादा पैसा मिल सके, हमारा चंदन बिक जाए। तब जो है ऐसे विचार करते करते वो सेठ के मन में आया कि राजा, यदि राजा मर जाए तो मेरा चंदन हाथों हाथ बिक जाएगा, बहुत लाभ होगा। इस प्रकार से आज विचार आ गया कि कहां पर मैं राजा को मित्र मानता था और मैं इस प्रकार से नगर में कहता था मेरी तो राजा के साथ मित्रता है। और मित्र क्या होता है, जो दूसरे के लिए अच्छा सोचे, भला सोचे, वो मित्र मित्र नहीं होता जो दूसरे का बुरा सोचे। आज उस सेठ के जो बुरे विचार आ गए कि यदि राजा मर जाए तो मुझे लाभ हो जाता है, रात को सोया नींद नहीं आई यही विचार चलता रहे, राजा मर जाए तो ठीक होगा, तो मुझे लाभ हो जाएगा, मुझे पैसा मिलेगा, पैसे के लिए आज देखिए संसार में क्या हो रहा है, आज लाभ के लिए प्रत्येक वस्तु में मिलावट है, जो खाद्य पदार्थ है मिलावट है, जैसे आप खा रहे हैं और कई प्रकार भयंकर बीमारियों से जूझ रहे हैं सब जो है, परंतु पैसा मिलना चाहिए, और पैसे के लिए कितना बड़ा बड़ा पाप जो किए जा रहे हैं, चाहे दूध होगा, दही होगा, चाहे पनीर हो, कई चीजें जो है हर चीज में मिलावट कर करके दूसरा खाएगा, मुझे पैसा मिल जाए चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसी जहरीली चीजें जो है बेच करके जो है क्या कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा। ये पैसा जो है देखिए आपकी वही दुर्दशा होगी, पैसा जो साथ जाने वाला नहीं, पैसा ऐसा है जो मनुष्य को परेशान कर देता है, यही पैसा जो है आपको सुख भी देगा, यही पैसा आपको जेल में पहुंचा देगा।
इसलिए प्रत्येक चीज जो है कहते हैं शास्त्र में कहा है कि मर्यादा में, मर्यादा से बाहर आप जाओगे तो दुख भोगोगे, मर्यादा में रहोगे तो सुख भोगोगे। अति सर्वत्र वर्जित, किसी भी चीज की अति जो होती है वह वर्जित कही है शास्त्र में, इसलिए प्रत्येक चीज जो है यदि मर्यादा में आप उसका भोग करते हैं तो आपका जीवन सुखी रहेगा। तो जो है आप जो रात को भी यही सोचता रहा राजा मर जाए, प्रातःकाल हुआ आप यही बात चलते ही चिंता होगी, चंदन है ये बिकेगा कैसे, आप रोज मिलना था राजा के वैद्यन के भंति जो है अब राजा के साथ मिलने के लिए गया तो रास्ते में भी यही चिंतन कि राजा मर जाए तो ठीक है मेरा चंदन बिक जाए, ये विचार करते करते राज दरबार में पहुंचा। अब अंदर जाता जाते तुरंत राजा उसको बुला लेते, जब उन राजा को पता चलता कि सेठ जी आए हुए हैं तो वह तुरंत उसको बुला लेते थे, परंतु आज ऐसी परिस्थिति हुई कि राजा ने उसको अंदर नहीं बुलाया, काफी समय तक उसको बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ी। उसके उपरांत जब फिर भी क्रोध है, राजा ने आज मुझे बुलाया नहीं और विचार बुरा चल रहा है। थोड़े समय के उपरांत जो है राजा ने उसे बुलाया, भोजन का समय हुआ तो राजा ने उसे अंदर बुलाया, बिठाया और फिर राजा ने उससे कहा कि आप प्रतिदिन मेरे पास आते हैं, रोज आते थे और एक बड़ा खुशी का माहौल होता था, आपको देखकर बड़ी प्रसन्नता होती थी, परंतु आज आप जो आए हैं आज मुझसे आप मुझे आपसे डर लग रहा है, आपको देखकर मुझे भय लग रहा है, डर लग रहा है, कारण क्या है। बड़ी खुशी होती थी, भोजन का समय था, राजा ने उससे जो है कहा कि पहले जब भी आप जो है मेरे पास आते थे तो चारों तरफ जो प्रेम की एक सुगंध जो थी वह फैल जाती थी, इतना आनंद आता था, आज जो मुझे आपसे डर लग रहा है कारण क्या है, कहीं आप मेरे लिए कोई बुरा तो नहीं सोच रहे। अंतरात्म की बात मैं बता रहा हूं, जो एक दूसरे के स्पर्श से जानते हैं वे एक दूसरे की अंतरात्मा को जान जाते हैं, क्योंकि जो आत्मा बैठी हुई है वही आत्मा जो है नगर सेठ में, वही आत्मा राजा के अंदर बैठी हुई है। भगवान जो है सबके हृदय में, भगवती सबके हृदय में विराजमान है, वह हृदयेश्वरी जो है सबके हृदय की बात को जानती है, अब उसकी आत्मा ने सब कुछ जान लिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आपके अंदर मेरे प्रति कोई बुरा विचार है, कारण क्या है बताइए। तो कहते हैं कि उस सेठ की आंखों में आंसू आगे रो पड़ा, कहने लगा सारी बात बतला दी कि इस प्रकार से मैंने आपके प्रति जो बुरा सोचा, सारी घटना बतला दी। तब जो है राजा कहने लगा कि यदि जो है यही बात आप ऐसे मुझे कह देते मेरा चंदन बिक रहा है तो मैं ऐसे खरीद लेता आपसे, अपने खजाने वहां पर जो है मैं अपने जहां पर रख लेता, मैं खरीद लेता तेरा सारा जो है चंदन जो था, अब मुझसे कहते तो सही एक बार, बुरा सोच करके आप जो अपना भला करना चाहते हैं तो कैसे भला हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, उसका फल एक न एक दिन जो है भोगना ही पड़ता है। इसलिए जो है कहीं भी किसी का बुरा सोच करके अपना भला मत सोचिए, आज यही परिस्थिति है, इसलिए जो है आज का मानव जो बिल्कुल अशांत, सब कुछ होते हुए धन संपत्ति की कमी नहीं है आज के मनुष्य के पास, परंतु अशांत है, सुख नहीं है, शांति नहीं है। तो शांति नहीं है इसका कारण यही है कि हम दूसरे का बुरा कर करके जब घर में वह धन लाते हैं, अन्न लाते हैं, वह सब जो है वह अशांति का कारण बन जाता है। इस हक की रोटी जो है आप परिश्रम करते हैं, क्योंकि खाने दो रोटी ही, पहनने के लिए तन के लिए कपड़ा चाहिए, ढकने के लिए रहने के लिए स्थान चाहिए, रात को सोना होता है, विश्राम करना होता है, और दिन में अपने अपने कार्य में सभी चले जाते हैं, कितने विश्राम करते हैं घर में रह करके, दिन भर काम करते परिश्रम करते हैं, रात को विश्राम करना है, परिवार में आकर के बैठे और भगवान का भजन करें, भगवान का कीर्तन करें और इस प्रातः उठे भगवान का स्मरण करें, क्योंकि जीवन चलाने के लिए जो है जिस सब धन की आवश्यकता उतनी जो मैं आपको बतला रहा हूँ, मर्यादा में रह करके जब जो व्यक्ति जो है इस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलता, धर्म अनुकूल कर्म करता है और दूसरे का भला सोचता है, कभी अपने हृदय में बुरा विचार नहीं करता, उसी की आत्मा जो बिल्कुल शांत रहती है, उसकी जीवन यात्रा सुखद बनी रहती है। बोलो सच्चे दरबार की जय, जयकार श्री राम वाली जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार से कहते हैं कि वास्तविकता तो यही है कि हम लोग जो है एक दूसरे को जो है दुखी करके ही अपने आप को जो है सुखी करने में लगे हुए हैं, और लेकिन अगर हम जो है अपने मालिक से प्रार्थना करें
कि हे भगवान, हे भगवती, हम आपकी शरण में हैं, माँ हम पर कृपा कीजिए और जो है हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमारा भला करो। इस प्रकार से जब शरणक धोकर के ऐसे माँ से प्रार्थना करते हैं तो जगजननी ये जगत माता उन भक्तों के जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी रहने नहीं देती, किसी तरह की कमी रहने नहीं देते। इस प्रकार से ये विवेक जो है ये आसानी से नहीं आता है, भक्ति करने से आता है। जो माँ के शरणक धोकर के खूब भक्ति करते हैं उन्हीं को ऐसा विवेक जो है प्राप्त होता है और उन्हीं की जीवन यात्रा सुखद होती है, उन्हीं की आत्मा जो है शांत रहती है, उनका कुल उनका वंश जो है धार्मिक होते हैं और जब वे सूर्य चंद्रमा गतिमान रहते हैं तब तो उनका वंश जो है धर्म के मार्ग पर चलता है, धर्म को कर्म करता होगा परम कल्याण को प्राप्त होता। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी भजन की वेला निवेदन करा श्री मनिंद्र से माँ के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सही भक्त संकीर्तन में सहयोग देना से मिलकर बोलना ताली भी जाते हुए श्री मनिंद्र जी। जयकारा बोल सच्चे दरबार की जय। तेरे दर पे आके जगदम्बे, तेरे दर पे आके जगदम्बे, कुछ याद सानो रहता नहीं, कुछ याद सानो रहता अपने अपने हाथ ऊपर उठाकर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिरी दीजिए। हाथ सभी ऊपर, माँ भगवती आप भक्तों के हाजिरी स्वीकार करें, आपके झोलिए भरे, आपके मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर दे। हर एक माँ लेगा नाम तेरा।
उतरता नहीं हो रंग फिर उतरता नहीं तेरे दर पे आके रंग गम तेरे दर पे आके जगदम्बे कुछ याद चपकनी फुल जाने आँख चपकनी फुल जाने नहीं थकदा 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 आयो जिदे मन दी कुंडी खुल जाती जिदे मन दी कुंडी खुल जन्म का हूँ मैं पापी धर्म कर्म ना जानो ज्योति तेरी अमर है जगमग इतना मैं पहचानूं ज्योति तेरी अमर है जगमग इतना मैं पहचानूं तेरा सबसे ऊंचा द्वारा हीरो वाली माँ तेरा सबसे ऊंचा द्वारा हीरो वाली माँ मुझे तेरा ही सहारा हीरो वाली माँ मुझे तेरा ही सहारा हीरो वाली माँ तेरे अब गुण माफ करो मैं है हूँ अब गुणहारा तेरे अब गुण माफ करो माँ मैं हूँ अब गुणहारा चरण कमल का देव माँ
तुझे दिल ने पुकारा शेरो वाली माँ, तुझे दिल ने पुकारा शेरो वाली माँ, मुझे तेरा ही सहारा शेरो वाली माँ, मुझे तेरा ही सहारा शेरो वाली माँ। माँ बेटे का हम रहना था जाने दुनियादारी, माँ बेटे का हम रहना था जाने दुनिया सारी, माता की मूरत है सांची मन में छवि प्यारी, माता की मूरत है सांची मन में छवि प्यारी, तूने पापियों को तारा शेरो वाली माँ, तूने पापियों को तारा शेरो वाली माँ, मुझे तेरा ही सहारा शेरो वाली माँ, मुझे तेरा ही सहारा शेरो वाली माँ। सच्ची जोत जगाओ मन में दूर करो अंधियारा, मन की आंखों से मैं देखूं सुंदर द्वार तिहारा, मन की आंखों से मैं देखूं सुंदर द्वार तिहारा, तेरा नाम सदा प्यारा शेरो वाली माँ, तेरा नाम सदा प्यारा शेरो वाली माँ, मुझे तेरा ही तेरा ही सहारा शेरो वाली माँ। करूँ तेरा जगराता अम्बे श्रद्धा दीप जलाऊ, करूँ तेरा जगराता अम्बे श्रद्धा दीप जलाऊ, जय माता की बोल बोल के जीवन सफल बनाऊ, जय माता की बोल बोल के जीवन सफल बनाऊ, करो मेरा भी उधारा जय वाली माँ, करो मेरा भी तेरा ही सहारा शेरो वाली माँ, शेरो वाली माँ मेरी मेहरो 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 वाली माँ, सच्चे दरबार की जय। नागद सर्वे सरा धन धना तम सर रत्न बास देहल तंब चरण नेत्रयासदान माला कुंभ कपाल नीरज करा चंद्रार्ध चूड़ा करा सर्वज्ञ पद्मांकर सच्ची ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। माँ भगवती की असीम अनुकंपा से आप भक्तजनों को सायंकाल की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सताम सतवी संग कथे पुण्यन भवती, सत्संग का प्राप्त होना ये बड़े पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का फल होते ही जिस प्रकार मनुष्य जीव को प्राप्त होते ही माँ भगवती की इसी तरह से अहोक्त कृपा बनी रही और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस पर्व पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी इस आरती की परम पवित्र वेला में माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संत देवान भव श्रीमान ससुर भव प्रज्ञावान भव भूर्भुवत कर्ण धन कनिष्ठो भव तेजस्वी भव धैर्य गर्व धरणी व्यापार दक्ष भव श्री शंकर पाद पुण्यतः सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संत पूर्ण संत मनोर्थ
शत्रुणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां देशस्य शरीरवर्चस्व आयुष्मारोग्यमाविदात् शुभमानं हीयते धनं धान्यं पशो भूपुत्रलाभं सस्वसरं दीर्घमायो अस्तु दीर्घमायो। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से सम्मानित करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करें। अभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्तजन माँ की आरती करेंगे संभल कर बोलना ताली बजाते हुए। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा Oh,
सदबुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। सच्चे धर्मार की जय। बोलिए ओम ओम। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु, बुद्धिरूपेण संस्थिता, बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमो नमः, नमस्तस्य नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु, शक्तिरूपेण संस्थिता, शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमो नमः, नमस्तस्य नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु, दयारूपेण संस्थिता, दयारूपेण संस्थिता। नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमो नमः, नमस्तस्य नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु, मातृरूपेण संस्थिता, मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमो नमः, नमस्तस्य नमो नमः। रुद्रगा माता की जय। कृष्ण माता की जय। लक्ष्मी माता की जय। सरस्वती माता की जय। सच्चे धर्मार की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी, माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुहा द्वार पर आ गई हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करके अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सभक जनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी, सम्मिल बोलो जय माता दी, श्री बोलो जय माता दी, तेरे विजन जय माता दी, नाथ बोलो जय माता दी, सच्चे जय माता दी, सच्चे बोलो जय माता दी, सच्चे जय माता दी, सच्चे बोलो जय माता दी, सच्चे जय माता दी, सच्चे बोलो जय माता दी, सम्मिल बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, संग्रह बोलो जय माता दी, 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 जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, सभी भक्त जन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करेंगे। सब मिलकर बोलना,
దేహి సౌభాగ్యం ఆరోగ్యం దేహి మే పరమం సుఖం దేహి మే పరమం సుఖం రూపం దేహి జయం దేహి రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి దిశో దేహి యశో దేహి దిశో దేహి ఓం ఐం హ్రీం క్లీం చాముండాయ విచ్చే ఓం ఐం హ్రీం క్లీం చాముండాయ విచ్చే సుఖినః సర్వే భవంతు సుఖినః సర్వే సంతు నిరామయాః సర్వే సంతు నిరామయాః సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్చన దుఃఖభాగ్ భవేత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్ बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मणि मन मा भगवती का नाम स्मरण करें। परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। Thank you.
भाई होली का पर्व मनाना है जोर से बोला बोल सत्य